Hey everyone, welcome to my channel. आज मैं आपके साथ इंस्टेंट खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। इंस्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें हम मिल्क मेड या कंडेंस्ड मिल्क यूज्ड करेंगे, जिसे इसे पकाने में आपको 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। इंस्टेंट खीर बनाने के लिए चाहिए 500 ग्राम फुल फैट मिल्क, 200 ग्राम गोबिंदभोग राइस, आप चाहे तो बासमती राइस ले सकते हैं, इलायची, तेज पत्ते, थोड़ी सी सूखी नारियल और चाहिए थोड़ी सी काजू, थोड़ी सी किशमिश, 150 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क और 250 ग्राम चीनी। पहले कढ़ाई में दूध को गर्म कर लेंगे। दूध में जब उबाल आ जाए तब हम चावल ऐड कर देंगे। चावल को पानी में धो के 30 मिनट के लिए भिगो के रख दीजिए। इससे चावल के दाने अच्छे से दूध में बहुत जल्द पक जाएंगे। अब हम चावल को डाल के थोड़ी देर पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 तेज पत्ते और दे देंगे कुछ इलायची। अब इसे पकने के लिए मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे। बीच बीच में कढ़ाई के नीचे तक चम्मच से चला लेंगे, नहीं तो कढ़ाई में खीर लग सकती है। चावल जब पक जाए और दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब हम ऐड कर देंगे कंडेंस्ड मिल्क। ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी यूज करें। आप मिला देंगे कटे हुए काजू और थोड़ी देर काजू को पकने के लिए छोड़ देंगे। काजू अच्छे से पक चुकी है, अब फ्लेम हाई करके ऐड कर देंगे सूखी नारियल। अब दे देंगे किशमिश। किशमिश ऐड करने के बाद गैस ऑफ कर देंगे क्योंकि किशमिश को हमें नहीं पकानी है। इंस्टेंट खीर बनकर तैयार है, अब इसे ठंडा होने के बाद खा सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।